मन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। मन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में ढला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। वरु तुझते मैं पूजा के थाल, वरु तुझते मैं पूजा के थाल, आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। माँ से रोवाली आजा मेहरोवाली, माँ से रोवाली आजा मेहरोवाली। लगते हैं झूठे माता हरे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगे के, चरणों से लगे के। तेरे आंसू कहे ये मेरा हाल, आजा माँ से रोवाली। मेरे आंसू कहे ये मेरा हाल, आजा माँ से रोवाली।
तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मां शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मां शेरवाली, मां शेरवाली आजा मेरोवाली, मां शेरवाली आजा मेरोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मां शेरवाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मां शेरवाली, मां शेरवाली आजा मेरोवाली, मां शेरवाली आजा मेरोवाली, मां शेरवाली आजा मेरोवाली, मां शेरवाली आजा मेरोवाली। बोल माता रानी की जय, राज रामचंद्र की जय। वरिणा नाम अर्थ सिंह नाम रस नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो वंदेवानि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्थमेश्वरम् साति जन्मिके ते मुर्महतारी पाके जन्म तोरी को खिल गाई भाग्य अपन सहरावो भो धर्म कर्म मोरी छत्तीस गड़िया जप तप तीर्थ धाम है दया माया के आशीष गाई मोर परिनंदन ग्राम है कर दे दया के वरिषा मोर पर अब सुर है ना आवाज है थर थर कांपे मोरी जिह्वा आज भरे संत समाज है तुलसीदास जी के चरण कमल पंदों बारम बार हाथ जोड़ के विनय करो
आओ यंगने कुमार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। अंजनी नंदन हनुमंत लला महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आवाज में उतने जोर नहीं है, अभी संचालक महोदय जी दिन कहा रिश्ते हम सुनत रहे बगल ले। का बात है भोजनालय में भोजन कम हो गए का ऐसे कहा से अतिक दमोर दमोर के आए है तबोल गोड़ हाथ ले चंगोर चंगोर के बैठे है मन है। अरे थोड़ा फर्जेंट हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, काबर राम कथा में स्ट्रांग होना है दिन बहुत जरूरी है। तो निश्चित है आप सब उमंग के साथ और मस्ती के साथ भगवत नाम के एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। आप सब लग कह रहे हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी लगी भाई कुर्रा गांव का बहुत सुंदर गांव है कुर्रा, जिन जयकारा नहीं बोला ही तेल उठा के ले जय हुर्रा। एकर से ती निवेदन है आप सबसे जोरदार जयकारा लगाओ उत्तर धुर्रा। मैं कहूं छत्तीसगढ़ी है आप सब लगा के लगी। हाँ छत्तीसगढ़ी कौन किस कजरा हड़िया गई मांझे धोए बेर हो गए हो आप सब बैठे रहो दाई माई मन बढ़िया बैठे रहो। यहाँ बाबू पीला में सब मांझ धो के अपन घर में तैयार रखी, चिंता मत करा सब घर चल दे मांझे धोए बर इति हेल्ला है सब बैठे हो बढ़िया बात है। मैं कहूँ राम रस पिला दे और आप सब लग कहे लगी श्याम से हाओ राम रस पिला दे। कौन की सांस कल पिला दे श्याम से मिला दे बहुत बढ़िया बात। सब भक्ति के रंग में सराबोर हो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित है। ये पावन धरा धाम कुर्रा जी हमारे पहली बार आए के अवसर मिली, ईश्वर के कृपा भगवान की कृपा है तेरा निश्चित निरंतर लगे हवे। धन्यवाद ज्ञापित है आज के राम कथा में पधारे जतेक भी रसिक जन है तीन मल्ला करुणामयी वात्सल्यमयी मातृ शक्ति हमारे बीच में विराजमान है। ज्ञान के प्रखर शिखर में पहुंचे ज्ञानी सज्जन वृद मनला और सद आनंद चित आने जाने वाला मानस मंडली उठाने बैठाने वाला परम आदरणीय संचालक महोदय जी बहुत ही गुरतुर वाणी के माध्यम से बहुत ही शायर और बहुत ही गीत के माध्यम से हम सब ला माया और प्रेम के जन एक सूत्र है तेन में बांधा थे। हृदय से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ में अपन मेहनत के कमाई अर्थ अनर्थ में नहीं लगा करके वास्तविक सार्थक में एक धन ला आप एक एक पैसा जोड़ करके ये मंच के माध्यम से जेन जेन दान दे हो ओहु मन ला भोजनालय में कौशल्या भंडारा में जेन सुंदर सुंदर प्रेम पूर्वक दार भात ला पोरसत है बढ़िया बढ़िया मीठा आप जबान दे के सब ला भात साग बढ़िया खवावा थे ओ सब झन ला आदरणीय सम्मानी हमारे माइक ऑपरेटर भैया जिला और जब का भी ये कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक संयोजक है आप सब ला माँ शारदा मानस परिवार अमोदी के ओर से चरण वंदन सादर स्वीकार करूं। सहज आप सब के पावन चरण कमल में निवेदन प्रणाम ई भाव के साथ राम कथा में चर्चा करबो। बहुत ही बढ़िया सा मानस के एक उस प्रसंग हमला आदरणीय संचालक महोदय जी दे उत्तर बढ़िया है उत्तर लेगा तर साफ साफ बातें है। भगवान राम के जिन कथा है ओल सुन और सुन के समझ और सुन समझे के बाद में अपन जीवन चरित्र में मज्जन कर उत्तर नहीं तर बेते जान मर दुए ठन तो है जिंदगी में तर नहीं फिर मर। और हमन ला मानस के पुष्प प्रसंग दोहा क्रमांक मिले घरों का है वह 70 8 78 मतलब पूरा तरे तरे ये लगते थे भगवान की कथा और निश्चित है जिन दिन भगवान की कथा में मन लगाते दाई अगर जीवन है तेना कृत्य कृत्य हो जाते सार्थक हो जाते। तो कैसे लगाना चाहिए तो दृढ़ विश्वास के साथ बाबा जी हित लिख के बताई रामचंद्र के भजन बिना अरे जो चह पद निर्वाण।
ज्ञानवंत यपिसो नर औ पशु बिना पुंच विशान। बोलिए राजा रामचंद्र की। रामचंद्र के भजन बिना, भगवान के भजन करे बिना ये दुनिया ले मन के है तेन पार होवे नहीं करे। ये सार्थक बात बाबा जी के कहना है। आदमी के जीवन में भोजन जबके जरूरी है, उसके आदमी के जीवन में भजन घलो घर जरूरी है। नहीं तो आदमी के जीवन का हो जही, जैसे कोनो पशु है, कुकुर आप देखे हो, बिलैल देखे हो, बैला भैंसा ये सब ला देखे हो, जानवर ला इकर मन के शोभा काम है। जब तक के वो पूंछ नहीं रही तब तक के शोभा आने वाला नहीं है। पूंछ तब ओकर शोभा है ना, पूंछ तब पशु के शोभा है, और जब तक के पूंछ नहीं रही ना, हाँ तब जान ले अगर कोई सुंदरता नहीं है, कोई शोभा नहीं है। पक्षी बर पंख चाहिए, पक्षी बर पंख चाहिए, और पशु बर पूंछ चाहिए, और पुरुष मन बर मुंछ चाहिए, तभी वो पुरुष का हीगा। नहीं केवल उगर रंगे रूप भराए समझ लेते, मुंछ होना चाहिए। जैसे ढंग से नाचे गाय बर प्रैक्टिस चाहिए, घर बनाया तो वह सेफ्टी चाहिए, दाई माई के मुंह मन बल्ली पेस्टिक चाहिए, यह जरूरी है। जैसे ढंग ले चढ़ऊ है तो उतारू चाहिए, गाय है तो दुधारू चाहिए, दरुह मनवर दारू चाहिए, यह जरूरी है। सबके अपन अपन जगह में महत्व है, सबके अपन अपन जगह में महत्व है। आदरणीय सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीन के हित विश्वास होना चाहिए, तो वैष्णव विश्वास तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जब तक के दृढ़ विश्वास नहीं है तो भगवान के भजन होने वाला नहीं है। और भगवान के भजन पर दृढ़ विश्वास कैसे हो ही? तो जब तक के राम के कृपा नहीं हो ही, तब तक के नहीं हो। राम के कृपा कब हो ही? तो इसे सत्संग के आयोजन हो ही, तो भगवान की कथा कीर्तन तिर हो ही, अन्यथा दृढ़ विश्वास होने वाला नहीं है। अरे भगवान के कथा कब हो ही भैया हो? ये भगवान की कथा तब हो ही जब सत्संग के आयोजन हो ही, तब हो ही। बाबा जी बताइए, अरे बिनु सत्संग न हरि कथा, अजिते ही बिना मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग भी तन चलाए बर भोजन और आत्म कल्याण करे बर भजन बहुत जरूरी है। नहीं जिंदगी के लिए चलाए बर ज्यादा अगर चीज की जरूरत नहीं है। संगवारी आदमी का दाई हो तीन चीज हो गए, तहन आदमी के जीवन चल गए। कागज तीन चीज, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज मिल गए तहन जिंदगी है चल गए। ये सस्ता जान और एक ज्यादा जरूरत आदमी न। तन ढके बर कपड़ा चाहिए, खाए बर रोटी चाहिए, रहे बर मकान चाहिए। अरे गांव में एक ठन कुरिया चाहिए, का चाहिए सोच के देख लो आदमी ला। अजी गांव में एक ठन कुरिया चाहिए, और पहिरे बर एक ठन फरिया चाहिए, अरे खाए बर दो ठन रोटिया चाहिए रे तहने सुखमा, ये तहन सुखमा तोर जिंदगी पहाही, तहन सुखमा तोर जिंदगी पहाही। अत्के तो चाहिए ना भाई। अजी स्वच्छ सुंदर काया चाहिए, और खर्च करे बर माया चाहिए, और रहे बर एक ठन छाया चाहिए जी तहने सुखमा, अरे तहन सुखमा ये जिंदगी पहाही, तहन सुखमा ये जिंदगी पहाही। आदमी के सुख पाए बर तीन चीज के आवश्यकता है। तेकर सती को स्वामी तुलसीदास जी महाराज ला कहना पड़ी, अरे पगला हो, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिना पुंछ विशान। तक्को ओ आदमी ही ज्ञानी है,
कक्को ओकर घर धन है, कक्को ओकर घर जन है, लेकिन भगवान के भजन का हूँ नहीं है। तो जैसे बिगल पूछी के पशु शोभा नहीं पाए, वैसे मनखे के शोभा है तेरा, भगवान के भजन बिना हो ही नहीं सके। ये बाबा तुलसीदास जी महाराज के कहना है। आओ एक प्यारा सा भजन, और पानी की व्यवस्था कर दो, पानी यदि कम जोर हो गए, सांझ के बेरा है, मुंह सुखाते। बोलिए नगर हम चंद्र भगवान के जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। माया बजरिया मा दौड़ा था, थर के जमो परेशानी, रामे कथा थोकिन सुन लेना, सावर जाही जिन गानी, जे सुने कथा दूर होते व्याथा, आ जाना संगीत राम द्वारे। राम कथा तो सुन लेना, सावर चाहिए दिन गानी, सोने कथा राम दुआरे संगे राम दुआरे। बोल राजा रामचंद्र की जय। सब संतन मन हमर जी से भक्तन मन मर बहुत ही सुंदर सुंदर आदेश करी कि भगवान के भजन आदमी के जीवन में होना है तेन बहुत जरूरी है। योग जप पूजा पाठ साधना एकर बहुत ही महत्व है, मंत्र जाप एकर बहुत ही महत्व है। तेकर का फायदा होते है? कोनो कोनो आदमी उन पूछते हैं, अरे योग जप पूजा पाठ साधना ये दुनिया में करत है तेनोर मरना पड़ी, और नहीं करत तेनोर मरे लागी। का पूजा पाठ करत है तेन नहीं मरे, उहुल मरे लागी। मंत्र जाप करत तेन नहीं मरे, उहुल मरे लागी। और नहीं करत तेनोर मरे लागी जी, तो हमला का फायदा है। संगवारी हो देखो ये मत तीन ठन चीज के फायदा होते हैं। कौन कौन तीन चीज? एक तो तन बांसते, दूसर में धन बांसते, और तीसर में धर्म के फायदा होते। ये तीन फायदा होते दाई। गुरु चेला दोनों जन है तेन, हाँ एक बेर मेला देखे बर जात रहा है गुरु, और गुरु का रहा है चेला, दोनों जन जात रहा है देखे बर मेला। बीच रास्ता में उमला एक कुसियार के खेत दिखे, गुरु चेला दोनों जात रहा है, चेला है तेन देख के कथे गुरु जी जोरदार कुसियार है दिखत है, एक आठ ठल्ला में उखाड़ के खा लाऊंगा, तो कथे गुरु है तेन चेला कथे, रे बेटा पर के चीज ला बिना मांगे खाना है उचित नहीं है, बिना बिना आदेश के ककरो चीज तोड़ना है तेन चोरी के बराबर पाप लगते रे। भी चेला है तेन कथे गुरु जी अते कर पूरा खेत में बोआ है माल, हो एक ठन डांग लो खाड़ के खैल हो कतेक पाप पड़ जाए ते मां। चेला है तेन गुरु बात ला नहीं मानी, गुरु जी तेन कथे देख रे भाई ते जानो तोर काम जाने, मैं मेड़ में खड़े हूं तोर खाक बने, जा भीतरी में ते उखाड़ के नाल ले। चेला है तेन अच्छा मोटा असन कुसियार देखा देखा गीत दाई बीच खेत में गीत, और वैसे खुरखुर खार खार जब कुसियार हालिज ना, तो वो कोती वो छे में रखवार बैठे रहा है, वो छे वो रखवार है तेन बड़े जनी बांस के डंडल धरे रहा है, और धरे धरे वो काय हमार कुसियार के खेत में खुसर गए है कहीं के, वो रखवार है तेन बड़े जनी डंडल धर के दमरस दमरस ही। गुरु जी खड़े रहे कहाँ मेड़ में, चेला खुसरे रहा है खेत के भीतरी में,
गुरुजी को नजर पड़ गए और अखबार के ऊपर में। अब तो गुरुजी के सोच हेते ना बहुत बढ़ गए, बहुत समझार बेटा नहीं माने रहे, लेकिन अब तो नहीं बात में कैसे लगा थे रखवार आवा थे बड़े जरी डंडाला धरे है। लेकिन युक्ति में मुक्ति और प्रगट में हान संत मन हेते न बते, जब तक की युक्ति नहीं करवे तब तक के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। गुरु जी हेते ना मेड़ में खड़े खड़े दिमाग लगे, उती रखवार आवा देखी ना मांस के डंडा धरे, तो गुरु जी हेते ना मंत्र जाप करी का ओम। ओकर चेला के नाय रहा ओम ओम हेतेन खड़ा होक देखते गुरुजी काबर चिल्लात है ओम की। चेला हेतेन खड़ा होक देखी औ गुरुजी हेतेन हा डबल मंत्र के उच्चारण करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे चिल्लात रहा है। चेला घलोक समझदार रहा है, गुरु जी कुछ न कुछ इशारा कर रहे थे, चुप चाप बैठ जाते हो खेत की भीतरी में बैठिए। और वो को रखवार है ना गुरु जी तीर में है, और गुरु जी की मंत्र सुनित जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चेला हब भीतरी में बैठ के रह गए, गुरु जी की सारा समझ गए, बेटा वो नवो नौ जा रे नौ जा ओम नवो नौ जा, नहीं तो फिर भगवते भाग जा की। आओ कुशियार के खेत में हद रहे बड़े जरी डंडल धर गया है, बेटा ओम नौ जा नहीं तो फिर भगवते भाग जा, नहीं तो फिर ते जान तोर काम जाना है वासुदेवाय की। बड़े जनी बांस के डंडल धर के आवत है, गुरु जी की सारा चेला समझ गए, भीतरी में बैठ के रह गए। और वो दिन रखवार है दिन पहुंची, रखवार है गुरु जी कर जाके हाथ जोड़ के कही दिया मैं तो कोनो चोर ची हाथ होए के कहत रहे हूं, यह बड़े दिन संत थे ना हमार कुशियार के खेत में आए कही गए डंडा शरण पांव पर जो पांव पर एक बार रखवार दिन चल दी। और ओकर चेला है तेन बांस के कुशियार के खेत में फिर धीरे कर निकली, जो कुशियार बढ़िया खेत मंत्र जाप में एक फायदा ध्यान दो बात के ऊपर में, बात बहुत छोटे है लेकिन दृष्टांत बहुत रोठे है। इमें तीन चीज के फायदा होई भैया, तन के कैसे फायदा, रखवार अगर आती और ओकर चेला ला चोरावा देखी देखती तो वो तो चेला मारती ते मारबे करती गुरु घलो नहीं बाजती, एकर से ती ते मेड़ में खड़ा होके अपन चेलल भीतरी में भेज के चोरी करवावत है, तो चेला घलो मार खाती जो गुरु घलो मार खाती तन बाची या नहीं नहीं मारती तो भाई तो के वो चोर एक एक रिपोर्ट करती जी तो कतका अगन थाना कचहरी में खर्चा आती, धन बाची ते नहीं बाची तन घलो बांच गए, मंत्र जाप में धन घलो बांच गए और धर्म के घलो प्राप्ति हो गए। नहीं तो फिर जगह जगह मुकरमन की बदनामी होती, देखे बड़े बड़े दाढ़ी में चल बढ़ा है ये गुरु बने फिरत है चोला ला चेला ला कुशियार के खेत में चोरी करवाए और भेजरी से, धर्म के घलो बचत हुई तन के धन के और धर्म के तीन की बचत होते। ये हर है मंत्र जाप के फायदा, योग जब पूजा पाठ साधना करे के फायदा। एकर सेती संत मन है कही कि रामचंद्र के भजन बिना भगवान के जब तक के भजन नहीं करबे तब तक के जीवन के अब मुक्ति होना संभव नहीं है। ऐसा पूज्य पाद बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज देन कहा थे, और कलयुग में तो इच्छा सार है ना, बाकी जम्मो बेकार है। आओ का आओ कलयुग समयुग आन नहीं अज जो नर कर ही विश्वास, औ गाई राम गुण गन बिमल भवतरी भी नहीं प्रयास। बिना प्रयास के भगवान के सानिध्य लतोल प्राप्त कर रहे हैं तब भगवान के भजन में तोल विश्वास कर ही विश्वास करना पड़ी। कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर ही विश्वास, जब तक के विश्वास नहीं हुई तब तक के भगवान के भजन में दृढ़ भक्ति नहीं हो सके। लेकिन आजकल तो ककरो प्रति विश्वास नहीं है, न बाप ला बेटा के प्रति विश्वास है, न बेटा ला बाप के प्रति विश्वास है, न सास ला बहू के प्रति विश्वास है, न बहू ला सास के प्रति विश्वास है, देरानी जेठानी के प्रति विश्वास नहीं है, जेठानी देरानी के प्रति विश्वास नहीं है, आज एक दूसरे ला कोनो ला ककरो प्रति विश्वास नहीं है। अब गाना कागत है तूला का गाना गाते है तूला भरोसा मोर मैया के चाहिए रे, भरोसा चाहिए
तुला भरोसा मोर माया के चाहे क्रिया खवाले संगवारी। क्या बढ़िया बात, गाना में कोई बेअर्थी नहीं है, समझने वाला है बेअर्थी है। भरोसा होना चाहिए माने एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। अरे जिंदगी बेकार हो जाते, जिंदगी हर बेकार हो जाते बिना भरोसा के। दाल हा गले नहीं दाई आगे बिना झोंका के। जिंदगी ल जिए बर विश्वास चाहिए और भगवान के भजन ल करे बर आस चाहिए। गीत ल गाए बर कला खास चाहिए और भक्ति करे बर मन में आस चाहिए। जब तक के मन में आस नहीं है तब तक के भगवान की भक्ति असंभव है। आओ एक प्यारा सफेदन आपके बीच में सादर समर्पित, बोलिए राज रामचंद्र की जय। कबीरा करनी कर चलो हम हंसे जगरो। हमरे पारा तुहरे पारा पारा वो पारा चलो संगी सुन ले जाबो राम दरबारा। छोटे बड़े सबो चलो छोटे बड़े सबो चलो चलो झारा झारा है चलो जी राम दरबारा। जी हाँ चलो जी राम दरबारा। पारा तुहर पारा पारा वो पारा चलो संगी सुन जाबो राम दरे पारा। छोटे बड़े सबो चलो छोटे बड़े सबो चलो चलो धारा धारा आए चलो जी राम दरे पारा। हाजी हाँ चलो जी राम दरे पारा चलो 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 जी राम दरे पारा। हाजी हाँ चलो जी राम दरे पारा। अमर पारा तुहर पारा पारा वो पारा चलो संगी सुन जाबो राम दरे पारा। अमर पारा तुहर पारा पारा वो पारा चलो संगी सुन जाबो राम दरे पारा। छोटे बड़े सबो चलो छोटे बड़े सबो चलो चलो झारा झारा चलो जी राम दरबारा। हाजी हाँ चलो जी राम दरबारा चलो 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 जी राम दरबारा। हाजी हाँ चलो जी राम दरबारा। अपारा
डूब के लाले संगे उतर जाही पारा राम कथा हवाई अगमे अपारा डूब के लाले संगे उतर जाही पारा दाई दीदी सबो चलो दाई दीदी सबो चलो चलो झारा झारा चलो जी राम दरबारा अजी हाँ चलो जी राम दरबारा चलो 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 जी राम दरबारा अजी हाँ चलो जी राम दरबारा मंदिर मातिया ना चलाबो राम मूर्ति अला हृदय मसाबो बाबा संग नाती चलो बाबा संग नाती चलो चलो धारा धारा आए चलो जी राम दरबारा अजी हाँ चलो जी राम दरबारा चलो 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 जी राम दरबारा अजी हाँ चलो जी राम दरबारा चंद्र की जय काक बसुरंदी जी महाराज हैं तेरे गरुड़ लवतीज की गरुड़ आदमी के जीवन में कतको धन संपत्ति रुपया पैसा गाड़ी भैंसा है लेकिन अगर अगर जीवन में भगवान के भजन नहीं है तो जान ले वो जिंदगी ही दिन अबीरथा माने जाते जैसे ढंग से बहुत सुंदर काक बसुरंदी जी हिदन गरुड़ लव उदाहरण दे के बताई रात के जन अंधियार है तेरा कब करते एक उदाहरण देके बताई
चाहे पूरा 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 आसमान में चंदेली उजाए, चाहे 16 कला लेकर के चंद्रमा उजाए, जितना ये पृथ्वी में पहाड़ है सब पहाड़ में कहूँ आगी लगा देवे, तेकर बाद भी रात्रि के जिन अंधियार है भागने वाला नहीं है। रात्रि के अंधियार कब भागी? जब तक के सूर्य के उदय नहीं हो ही, तब तक के रात्रि के अंधकार है बिटाने वाला नहीं है। ऐसे आदमी के जीवन में कतको रुपया पैसा धन दौलत है आबाद है, लेकिन यदि भगवान के भजन नहीं है तो जान ले नहीं वो आबाद, जान ले वो आबाद नहीं, पूरा पूरा बर्बाद है। बहुत सुंदर बात बताई। ऐसे ही हरि भजन बिना खगेसा और मिटे न जीवन केर कलेसा। ये चौपाई के उदाहरण बहुत सुंदर है। हे काग भूषण जी, गरुड़ लगी कि हे गरुड़ जी, आदमी के जीवन ऐसने तो भजन के बेरा सियान मन बता है, संत मन बता है, कौन बेरा हरे भजन के बेरा, तो यही संध्या कालीन के जेन बेरा है एला भजन के उपयुक्त तो बेरा बता है, संध्या कालीन के बेरा। कोनो कोनो मन कहते 4 बजे रात के सब वातावरण शांत रहते, रात्रि के बेरा शांत रहते तो भगवान के भजन ल करना चाहिए। देखो भगवान के भजन ल छोड़ के दू जन्म रहे ते ना मोह के मंदिर को दी प्रस्थान करी तेकर मन के जीवन में का का कलेश है। ये दू जन कौन है? एक दसमुख दूसर दशरथ, दोनों के दोनों संध्या कालीन के बेरा में। सांझ समय सानंद गृह गयउ कैकेयी सांस के बेरा में कई कई के घर को दिखी, तेकर सती महाराज दशरथ ला मृत्यु के आगोश में जाना पड़ी। यही चाल महाराज रावण के घर को हुई सी। सांझ जानी दसकंधर भवन गयो बिल खाए। राजा रावण घलो सांस के बेरा में मंदिर को दी नहीं बल्कि महल को दी गई, तेकर सेती दशरथ लघलोक मरना पड़ी और ओकरे सेती रावण लघलोक मरना पड़ी। एकर सेती सांझ के बेरा में अरे जाना है तो मंदिर को दी जा, महल को दी मत जा। सांझ के बेरा दिन ढलने के बाद के समय को शाम कहते हैं। अजी दिन ढलने के बाद के समय को शाम कहते हैं। मिल जाए किसी के हाथों का खत उसको हम पैगाम कहते हैं, और चढ़कर जो उतर जाए उसको हम जाम कहते हैं, पर किसी के दुख दर्द में काम आए उसे हम श्री राम कहते हैं, उसे हम श्री राम कहते हैं, उसे हम श्री राम कहते हैं। तब तो राम ला भगवान के पदवी ही तेने प्राप्त हुई भैया, नहीं का हो भगवान के पदवी प्राप्त करे खातिर बर आदमी ला बहुत अगन तपस्या करना पड़ते जी। आदमी ला बड़े बने बर, आदमी ला बड़े बने बर कतका अगन कठोर परिश्रम कठोर तपस्या नहीं करे नहीं करना पड़े। आदरणीय संचालक महोदय जी बात सही आ नहीं? आदमी बड़े बने पर कतका अगन परिश्रम कतका अगन तपस्या करने पड़ते, सोच के देखो भला बड़ा कैसे बनते हो, दाई माई मन पूछ के देखो। उरी दर जगोल पड़ते, उरी दर जब फरते तो तार बनाए पड़ते, तार ला फिलोए पर पड़ते, फिलोए के बाद बोल पीसे पर पड़ते, और पीसे के बाद बोल थपड़े पर पड़ते, डपकत कर आई में ओला डारे पर पड़ते, तब चूर के निकलते तो चर्रम चर्रम में खाते उल बड़ा कहे। बड़ा बने बर अतका अगन तपस्या करे बर पड़ते, भगवान बने बर घलो कतका अगन तपस्या करे बर नहीं लगेगा। भगवान की पदवी प्राप्त करना कोई छोटे मोटे बात थोड़े, इंसान से ही व्यक्ति भगवान की ओर पदार्पण करते हैं। जैसे ढंग ले कोनो आदमी है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अब कोनो आदमी प्रिंसिपल एक जन्म लेगा है जी दुनिया में, सोच के देखो भला कोनो आदमी हाँ प्रिंसिपल जन्म लेगा थे का? पहली वो पहली कक्षा में पढ़ी थे घर में पूरा प्राइमरी पास करी, ओकर बाद छठवीं कक्षा में पढ़ी तो मिडिल पास करे लगी, मिडिल के बाद में 11वीं भर्ती हुई तो पूरा हाई स्कूल और पास करे पर पढ़ी, और हाई स्कूल के बाद में वो मास्टर की डिग्री प्राप्त करना पड़ी, तेकर बाद में मास्टर बनी, मास्टर के बाद में हेड मास्टर बनी, एक बाद में प्रिंसिपल बनी, ओकर बाद में प्रोफेसर बनते। भगवान बने पर घलो यही तपस्या करे पर पड़ते, छोटे मोटे बात नो है का भगवान बनना है। और भगवान और इंसान में अतके अंतर है संगवारी हो, सोच के देखो चलते चलते जो बात को उगलते हम उनको इंसान कहते हैं,
अजी चलते चलते जो बात को उगल दे उसको हम इंसान कहते हैं, पर लाल रंग के खून को जो सफेद रंग के दूध में बदल दे उसको हम भगवान कहते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। बोला भगवान माँ के स्तन में दूध गवा है, जब तक के लड़का जन्म नहीं हो रहा है, जब तक के लड़का जन्म नहीं हो रहा है तब तक के माँ के स्तन में दूध नहीं है रहा। जैसे लड़का जन्म होते वो भगवान के कृपा ल देखो, माँ के स्तन में भगवान ने सफेद रंग के दूध ल भर देते। एक और सती कहना पड़ते, चलते चलते जो बात को उगल दे उसको हम इंसान कहते हैं, पर लाल रंग के दूध को जो सफेद रंग के खून में बदल के उनको हम भगवान कहते हैं। किसी के काम आए उसे हम इंसान कहते हैं, अजी किसी के काम आए उन्हें हम इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे हम भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कहीं कंगाल इतना है, कहीं गुणवान है इतना तो कहीं मालामाल इतना है, जो मुसीबत में काम आए उसे हम मितान कहते हैं, किसी के काम आए उसे हम भगवान कहते हैं। मानव गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है, मानव गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है, यदि गलती मानव को रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और जो गलती को सुधारे उसको हम सियान कहते हैं, जो किसी का काम आए उसे हम भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे हम मितान कहते हैं। भगवान बने पर बहुत अगन तपस्या की जरूरत है भैया, हो तेकर सिद्धि दुनिया दुनिया में एकर बन के चित्र के पूजा हुआ थी जी। चित्र के पूजा का अगर होतेगा, जिन कर्म अच्छा करते, जिन धर्म अच्छा करते, ओकरे ये दुनिया में चित्र के पूजा होते। ये नहीं 60 शब्द में एक बात कहूं कि जेकर चरित्र अच्छा होते दुनिया में ओकरे चित्र के पूजा होते, जेकर आचरण अच्छा होते दुनिया में ओकर चरण की पूजा होते। दुनिया दुनिया में राम कृष्ण गोविंद इकलमन की पूजा कार हुआ थे, इकल चरित्र अच्छा है, तेकर से दुनिया दुनिया में इकलमन की पूजा हुआ थे। आओ एक प्यारा सफजन आपके बीच में पुनः फिर राम कथा में चर्चा करबोन। काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी कथा सुंदर कथा सुनाते रे बाबा जी हेतन बताते, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धन धन अंजनी के लालो सिंदूर तोर सिंगार, राम नाम के मुंदरी धर के करते सागर पार। राम राम सिया राम, राम सिया राम, कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे। ये माहे में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे। राम जी ने देखो राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, थम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, थम थम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। जय जय श्री राम, जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी की चरणों में इनका ठिकाना, थम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, थम थम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। थम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। कि दूर तलक नजरों में महफिल का नजारा है, समाज आप सभी का है और साज हमारा है। अगर उस हनुमंत लाल को बुलाना है तो मुझे गाना होगा और आप सभी को एक बार जोरदार ताली बजाना होगा। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा, मां तारी मन से बड़े भैया मन से सादा निवेदन, दोनों हाथ उठना चाहिए। गांव गांव में तरिया हो, गांव गांव में कुआं है, और जेता ताली नहीं बजा ही तेगर मुड़ में खसखस ले जुहा है। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, अजी सुर से सुर को मिला लो, फिर जोर से ताली बजा दो। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, आज सुर से सुर को मिला लो, फिर मीठी मीठी ताली बजा दो। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा।
जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगत है मो। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशानी लहराएगा, भारत की सरजमी पर अब एक ही नारा छाएगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जिस गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जिस गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जिस गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय दाई हो गरुड़ जी महाराज लकाक भुसुंडी जी महाराज हेते ने दो प्रकार के माया के बारे में बताई। दाई दो ठो माया, एक ला विद्या माया बताई चो, एक ला अविद्या माया बताई। लेकिन ये अविद्या माया है तेन हाँ आदमी ला घेर के रखते, अविद्या माया मतलब जेन हाँ जानकारी से बाहर है, विद्या माया मतलब जेन जानकारी के अंदर है, हम तेन ला रिपोर्ट रिपोर्ट के रखे हैं, उला कहे जाते विद्या माया। अब सब ला पता है माया के बारे में, ये माया है तेन सब ला चपेट के रखे, ये सब पता है। बाबा जी तेन लिख के बैठे हरि सेव कही ना प्यापी माया,
तो कौन समाया? अविद्या माया। हाओ भगवान के जिन भजन नहीं करे बोला ए माया है तेन जकड़ के रखते, और जिन भगवान के भजन करते ओकर छुड़ाने वाला खुद भगवान शंकर है तेन आते कही से। माया इसना आप कहूं जान कहिए सो जीव, अब बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ही माया के प्रेरणे मालाए और भगवान ही अगर छुड़ाने वाला है तो दो प्रकार के माया बताई, एक विद्या माया की तो एक अविद्या माया की। अनजाने में जिन लपटा के आते तेन विद्या माया है, और जिन हम जान बूझ के लपेट के रखे हैं तेन हरे अविद्या माया। जाना था तो छोड़े नहीं सकते अविद्या माया कथे, अनजाने में आखे तेन विद्या माया कथे। काक भुसुंडी गरुड़ जी महाराज है तेन बहुत सुंदर ये माया के बारे में भगवान के भजन के बारे में गुण तत्व खोल खोल के खोज खोज के बताई। आओ सज्जनों समय कर रहा है इंकार, और सभी को शारदा मानस परिवार की ओर से बार बार बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। चलत है समय के चक्का संगीत देखते देखा तुम गुजर जही, बने हैं तोर माया के डेरा वो कौन जानी कब उजर जही, बेटा नाती जियत के साथी बिगड़े भीतर खुसर जही। एक स्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे अरे कर ले हरि भजन इहिम तुर बिगड़े सुधर जही, इहिम तुर बिगड़े सुधर जही। आओ अंतिम भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदाई। पावन धराधाम कुर्रा यहाँ के जितना भी वासी है रहवासी है आप सब भगवान की जिन भक्ति है तेन सदैव प्राप्त होत रहे। हरि भाव के साथ अंतिम भजन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक विशेष सूचना, मंचस्थ मानस परिवार के द्वारा आरती का क्रम संपन्न किया जाना है, क्योंकि भगवान यज्ञ देव का हवन पूजन का कार्य संपन्न हो रहा है, वह आरती का क्रम होगा, इसलिए एक भजन के पश्चात आरती का क्रम संपन्न होगा। सभी माता बहनों से निवेदन, जो भी आरती की थाल सजा लाना चाहें तो 5 मिनट में ला सकते हैं। और एक खास सूचना जो घर जा रहे हैं उनके लिए, या बलि ने झूम के जलवा दिखा दिया सोने से जड़ी लंका को, बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनामे, बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनामे, बली 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 देह बजरंग बली, बली 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 देह बजरंग बली। चला दे वो माँ बोला दबाए, रखा है तोर सकती तोर पार नहीं पाए, दुनिया लगे चला दे वो माँ बोला दबाए, रखा है तोर सकती तोर पार नहीं पाए। वो रूप धरे वानर के पूछला में, वो रूप धरे वानर के पूछला में, अति लचर दिख
खाए सीताराम है ओ मां सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बली 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 जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली सुदले पर उड़ के जीते हलंका लंका में तय जाके सबके बजाए डंका सीता के सुदले पर उड़ के जीते हलंका लंका में तय जाके सबके बजाए डंका सीता हरण के रावण छुपाए दाम है सीता हरण के रावण छुपाए दाम है हाथी लकीर दिखाए सीता राम है सीताराम बजरंग बली गली गली मनावे बजरंग बली गली गली मनावे हो जन के दुलरवा सूर्य जब काम है हो जन के दुलरवा सूर्य जब काम है छाती लकीर दिखाई मामा सीताराम है ओ मां सीताराम है बजरंग बली गली गली मनावे 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 गली गली मनावे गली गली मनावे गली गली मनावे बोल दे हनुमंत ने